हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मनाली। तो आज हम शुरू करते हैं अपनी कुल्लू एयरपोर्ट पे लैंडिंग से, वेयर वी रीच्ड फ्रॉम आर एयर इंडिया फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू कुल्लू। एंड देन मनाली जाने के लिए वी टुक अ प्रीपेड टैक्सी फ्रॉम द एयरपोर्ट और वहां से हमें अराउंड 1.5 आवर्स लगे टू रीच आर होटल इन मनाली। बट ये डेढ़ घंटे की रोड ट्रिप वॉज अ ट्रीट फॉर आर आईज। भाई सुबह सुबह 5 बजे उठ के फ्लाइट लेने के बाद ये एक्सपीरियंस थकान दूर करने वाला ही था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी मनाली ट्रिप। एंड थ्रू दिस सीरीज मैं आपको मनाली ट्रिप की सारी डिटेल्स लाइक मस्ट विजिट प्लेसेस, स्टे, फूड एक्सेट्रा अपनी इस वीडियो और आगे आने वाली वीडियोस में दूंगी। सो इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर मनाली एंड अदर प्लेसेज इन हिमाचल विद मी, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। होटल जाके थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम निकले हिडिंबा देवी टेम्पल के लिए। ये टेम्पल हिडिंबा देवी का है, हु वॉज बॉर्न इन अ राक्षस फैमिली एंड वॉज मैरिड टू भीम, वन ऑफ द ब्रदर अमंग 5 पांडवास। से ये टेम्पल थिक सिडार फॉरेस्ट से सराउंडेड है, ऐसा माना जाता है दैट हिडिंबा देवी वॉज नोन एज फॉरेस्ट गॉडेस। और आज भी यहाँ के लोग किसी भी नेचुरल कैलामिटी या डिजास्टर के टाइम पे इसी टेम्पल में आके प्रेयर्स करना प्रेफर करते हैं। इस टेम्पल का 4-स्टोरी स्ट्रक्चर और अंदर लगे हुए रिमेन्स ऑफ सेक्रीफाइस्ड एनिमल्स लाइक गोट्स, बफेलोज एंड एंटलोप्स इस जगह को कुछ अलग ही वाइब्स देते हैं। यहाँ पे आके आप उस टाइम को इमेजिन कर सकते हैं जब सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल्स वॉज कंसिडर्ड एज अ प्रैक्टिस इन प्रेयर्स, है ना कुछ अजीब बात। इस जगह को टूरिस्टी वाइब्स देने के लिए यहाँ पे यू कैन प्ले एंड गेट क्लिक्ड विद दीज क्यूट लिटिल बनीज। ऑल इन ऑल इस जगह की वाइब्स कुछ मिक्स्ड सी थी, जो आपको एक तरफ एक पुराने और रूडिमेंट्री एरा में ले जाती हैं, पर दूसरी तरफ आप कुछ पीसफुल मोमेंट्स यहाँ पे ज़रूर एंजॉय कर सकते हैं। माउंटेन्स में ट्रैवल करना जितना एक्साइटिंग होता है उतना ही चिलिंग भी। तो हमने स्टार्ट किया मनाली के मार्केट्स को एक्सप्लोर करना, जिसमें सबसे पहले हम गए ओल्ड मनाली मार्केट। शाम
शाम के टाइम वुलन ग्लव्स की खोज में हम निकल गए इस पुराने और छोटे से मार्केट की छोटी पर बड़े काम की शॉप्स पे। ये मार्केट मॉल रोड की हसल बसल से दूर एक पीसफुल एंड ओल्ड मनाली की याद दिलाता है। इस मार्केट में आप छोटे से ग्लव्स से लेके वुलन्स का कुछ भी आइटम, ड्रीम कैचर्स से लेके बहुत सारे गिफ्टिंग आइटम्स ले सकते हैं। शॉप्स के अलावा इस मार्केट में कुछ बहुत ही खास और स्पेशल पुराने कैफेज भी हैं, जिनमें से एक बहुत अच्छे कैफे को हमने एक्सप्लोर किया। उस कैफे की डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दूंगी, सो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए अब चलते हैं मनाली की सबसे हैपनिंग और एक मस्ट विजिट प्लेस को एक्सप्लोर करने, विच इज मॉल रोड। मॉल रोड को यूं ही नहीं मनाली का हार्ट कहा जाता है। इस जगह की लाइवलीनेस और यहाँ पे अवेलेबल मल्टीपल ऑप्शंस आपकी एक पूरी शाम स्पेंड करने के लिए काफी है। जिनको मेरे हस्बैंड की तरह यहाँ खाने में क्या स्पेशल है का बड़ा शौक है, उनके लिए ये जगह एकदम परफेक्ट है। उनकी विश पूरी करने के लिए हमने यहाँ मोमोज, सॉफ्टी और फिर से बहुत सारे मोमोज एंजॉय किए। और जिन्हें मेरी तरह अब बाहर आए हैं तो कुछ लेके ही जाएंगे वाला नेचर है, तो समझिए आपका काम हो गया। भाई, मेरी विश पूरी करने के लिए हम दोनों ने अपने और अपने घर वालों के लिए ये कस्टमाइज्ड नेम प्लेट्स तैयार करवाई। इसके अलावा आप यहाँ से कुल्लू शॉल्स और बहुत सारे तिब्बतन हैंडीक्राफ्ट्स भी खरीद सकते हैं। वैसे तो आप सबको पता ही होगा कि मनाली अपनी सीनिक ब्यूटी के साथ साथ अपने ओल्ड एंड कोजी कैफ़ेज़ के लिए भी बहुत फेमस है। तो हमने भी मनाली के कुछ स्पेशल कैफ़ेज़ एक्सप्लोर किए, जिनको मैं आपको अब दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले हम लोग गए ओल्ड मनाली के बहुत फेमस और काफ़ी ओल्ड ड्रिफ्टर्स कैफ़े में। ये कैफ़े ओल्ड मनाली मार्केट में लोकेटेड है। अगर मनाली की मार्केट में घूमते घूमते आप थक जाएं या आपको ठंड लगे तो आप इस कैफ़े में जाके इनकी कॉफ़ी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। उसके साथ दे सर्व सम अमेजिंग स्नैक्स टू। अलॉन्ग विद हैविंग सम बाइट्स एंड एंजॉयिंग अ कप ऑफ कॉफ़ी, आप यहाँ पे बुक्स भी रीड कर सकते हैं। सो आई मस्ट से दिस इज अ प्लेस वर्थ विजिटिंग।
नेक्स्ट मैं आपको एक ऐसे कैफे लेके जाऊंगी विच यू मस्ट विजिट ड्यूरिंग द सनसेट टाइम। एंड दैट प्लेस इज Il Forno रेस्टोरेंट। दिस इज एन इटालियन रेस्टोरेंट और इस जगह के व्यूज़ बहुत ही अमेजिंग हैं। स्पेशली जब आप सनसेट के टाइम पे यहाँ पे जाते हो, देन यू कैन सी द ऑरेंज सनरेज फॉलिंग ऑन द माउंटेंस। मैं अपनी रिकॉर्डिंग करने में थोड़ी सी लेट हो गई थी, वरना मैं आपको वो ऑरेंज सनरेज ज़रूर दिखाती। This is a 19th century lodge जो कि हडिम्बा टेम्पल रोड पे सिचुएटेड है। सो वेन यू आर कमिंग बैक फ्रॉम हडिम्बा टेम्पल, आई थिंक आप इसको जरूर एक्सप्लोर करें। अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर मेनी अदर गुड कैफेज इन मनाली विच यू कैन एक्सप्लोर। हम लोग अपनी ट्रिप पे इन्हीं कुछ कैफेज को एक्सप्लोर कर पाए थे। बट येस, एक और कैफ़े है जो हमने एक्सप्लोर किया और हमने वहाँ पे अपना स्टे भी रखा था, एंड दैट इज़ जॉनसन कैफ़े। उस कैफ़े का एक्सपीरियंस और वहाँ के स्टे की सारी डिटेल्स मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट। Did I tell you, यहाँ की हॉट चॉकलेट इज अ मस्ट ट्राई। अगर आप हमारी तरह रात में मॉल रोड घूम रहे हैं और आपको गरम गरम ब्राउनी खाने का मन है, then this is one place which you must go। इस जगह का नाम है अमीगोज कैफे, which is a German bakery। यहाँ पे ब्राउनी से लेकर पेस्ट्रीज तक बहुत सारे डेजर्ट्स आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए, इट्स टाइम फॉर मी टू गो। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ बहुत सारी डिटेल्स शेयर करने वाली हूँ और जल्दी से ट्राई करूँगी इस सीरीज को कंप्लीट करना। टिल देन, टेक केयर एंड सी यू सून।